चलिए मेरे प्यारे शिष्य, कैसे हैं सभी लोग? सब ठीक हैं? चलिए सब ठीक रहिए, मस्त रहिए। आज का देखिए टॉपिक, देखिए है क्लास 12th चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक और एक्सरसाइज है 5.3। टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके बारे में हम लोग पहले परिचित होंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा रहेगा, किस तरह से रहेगा और कैसे डेरिवेटिव करेंगे। और एकदम सबसे आसान, एकदम फास्ट और बेसिक तरीके से आपको बताया जाएगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आइए पहले देखिए, समझना है कि कैसा रहेगा सवाल से। अभी तक आप लोग डिफरेंशिएशन हम लोग सीधा देखे हैं, पहले वाई इक्वल टू रहता है, या मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू रहता है, मान लीजिए हम यहाँ दे दिए एक्स। ये हम लोग देख चुके हैं, पहले भी देखे हैं, ये फर्स्ट ईयर में भी हम लोग देख चुके हैं, है कि नहीं? इसी को हम लोग मान लीजिए डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं क्या जी, कि dy बटा dx इक्वल टू, और एफ एक्स रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू, एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं तो डी डी एक्स एक्स, और इसका हो जाता है वन, ऐसा रहता है। ये तो सिंपल में है, लेकिन अब आपको कैसा रहेगा इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा रहेगा, तो एक्स वाई जो फंक्शन रहेगा वो फंक्शन साथ साथ दिया रहेगा, वो कैसा रहेगा तो देखिएगा इस तरह से रहेगा। जैसे कहीं आपको लिखा हो रहेगा एक्स वाई भी मिल जाएगा और इक्वल टू दे देगा आपको क्या चीज, तो साइन एक्स। इसको आपको निकालना पड़ेगा डी वाई बटा डी एक्स, क्या निकालना होगा तो डी वाई बटा डी एक्स, इसको फाइंड करना होगा। तो ऐसा कंडीशन में कहीं भी अगर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसा कंडीशन जब रहता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसको मान लीजिए डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग पहले भी हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। क्या रूल पढ़े हैं? तो प्लस वाला भी रहता है तो भी अलग अलग करते हैं डेरिवेटिव, माइनस रहता है तो अलग अलग करते हैं, इंटू रहेगा तो यू इंटू भी पर लगाते हैं, और यू बाय भी रहेगा तो यू बाय भी के फॉर्म लगाते हैं, और एक्स के जगह पर यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग समथिंग या कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, तो उसका हम लोग फिर से डेरिवेटिव करते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग परिचित होंगे और धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे, समझना है। जैसे मान लीजिए आपका ये एक्स इंटू वाई आ गया, तो यहां कौन सा रूल लगेगा? तो u इंटू भी लगेगा। कैसे बनाएंगे इसको? तो आप किसी को फर्स्ट फंक्शन, किसी को आप सेकेंड फंक्शन मान के बना सकते हैं आराम से। मान लीजिए हम इसको मान लिए फर्स्ट फंक्शन, और इसको मान लीजिए हम क्या चीज कि सेकेंड फंक्शन। तो करते क्या है कि फर्स्ट फंक्शन जिसको आप मानते हैं उसको छोड़ देते हैं, यानी इस बात को क्या करेंगे कि इसको छोड़ देंगे, और इसका करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई को करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो डीवाई बटा डी एक्स, और इंटू में क्या होता है प्लस, तो प्लस यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस के बाद छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई चुपचाप। और एक्स का डेरिवेटिव कीजिएगा तो वन, वन गुने वाई कीजिएगा तो वाई ही रह जाएगा इक्वल टू। अब साइन का करेंगे तो क्या होगा, तो साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है आपका कॉस एक्स। ये सब फर्स्ट ईयर में हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी डेरिवेटिव का हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग प्रूफ करके देखे थे और एक एक करके देखे थे, है कि नहीं? अब यहां से लिखेंगे कैसे, तो यहां हम लोग लिखेंगे एक्स डीवाई बटा डी एक्स और प्लस वाई, और इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा तो कॉस एक्स। अब क्या करना है, तो डीवाई बटा डी एक्स को एक्स तरफ लिख दीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका एक्स डीवाई बटा डी एक्स इक्वल टू। ये देखिए प्लस में है, ये आपका बॉर्डर है, इक्वल टू है, बॉर्डर है, बॉर्डर के उस पार चला जाएगा तो बाबू साइन चेंज हो जाएगा, यानी किसका नक्शा बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, तो लिखेंगे कॉस एक्स माइनस वाई। अब क्या लिखना है हमको, डी वाई बटा डी एक्स, तो इसको लिखेंगे कैसे बाबू, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, ये एक्स मल्टीपल में है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, तो कॉस एक्स माइनस वाई और बटा एक्स, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हुआ आपका बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन इसी को मान लीजिए आप कंपटीशन में बैठे रहिएगा तो सवाल इससे भी बड़ा बड़ा सवाल दिया रहेगा, तो आप उसको एक लाइन में कैसे लिखिएगा आंसर, वो भी आपको बताएंगे। बस खाली बैठल रहना बाबू, आराम से देखना कैसे बनेगा। से इसको मिटाते हैं, हम चलते हैं आगे दूसरा सवाल की ओर। एकदम पहले आप समझिए एक एक करके, एक एक सवाल को देख करके, इसके बाद हम लोग चलते हैं, तब आपको ट्रिकी समझ में आएगा कि कैसे बनता है। ऐसे अगला मान लीजिए हम सवाल लेते हैं, यहाँ है मेरे पास वाई प्लस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू मान लीजिए आपका पाई दिया हुआ है।
पाई यानी कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, पाई कांस्टेंट है। इसको मान लीजिए अगर आपको निकालना होगा तो इसको कैसे करेंगे, वाई जहां रहेगा तो एक बार आप लिख लीजिएगा कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, तो इसको डेरिवेटिव जब करेंगे तो वाई का हो जाएगा आपका डीवाई बटा डीएक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये हो जाएगा वन प्लस, और साइन का कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और पाई का कीजिएगा तो ये हो जाएगा बेचारा जीरो। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो डीवाई बटा डीएक्स इक्वल टू ये आपका वन है, ये भी आपका देखिए प्लस में है, ये दोनों को आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, दोनों का नक्शा चेंज हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे तो माइनस वन और माइनस हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कि डीवाई बटा डीएक्स इक्वल टू क्या होगा तो माइनस वन कॉमन कर लीजिएगा तो वन प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, एकदम आसान है, बिल्कुल ही आसान है। अब बताइए और सवाल चलते हैं, दूसरे सवाल बाबू लोग एकदम समझिए, एकदम सिंपल तरीके से ही बताया जा रहा है, अभी छोटा छोटा अभी सवाल ले रहे हैं, बड़ा बड़ा भी सवाल हम ले चलेंगे तो केवल बस देखते चलिएगा, आराम से समझिएगा। अगला मान लीजिए सवाल आपके पास देखिए क्या है, इससे देखिएगा, यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई और प्लस में है आपकी कॉस एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। सवाल ऐसे रहेगा, जहां भी पहले ही हम बोल दिए हैं कि जहां भी अगर आपको देखने के लिए एक्स वाई के टर्म में अगर मिल गया तो समझ जाइए कि वो सवाल इम्प्लिसिट फंक्शन का ही सवाल है बाबू। तो ये एक्स वाई मिल गया, अब इसको हम लोग को डेरिवेटिव करना है, तो लिखेंगे हम लोग एक लाइन यहां लिख लेंगे तुरंत, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको हम लोग बनाएंगे, एक बार कैसे बनाएंगे तो देखिए, यहां एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो अगर मान लीजिए आपको लिखना है तो ऐसे आप लिख लीजिएगा एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स वाई स्क्वायर, लेकिन वाई का फिर से यहां करना होगा डेरिवेटिव, इसीलिए सतर्क रहिएगा, ठीक है। एक बाद प्लस यहां लिख लेंगे डी डी एक्स एक्स वाई लिख लेंगे प्लस डी डी एक्स, फिर लिख लेंगे हम लोग कॉस एक्स इक्वल टू, इधर भी करेंगे हम लोग तो डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन, ये है आपका एन फॉर्मूला पर। तो एक बात देख लो बाबू, ये होता है वाई इक्वल टू अगर एक्स टू द पावर एन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है डीवाई बटा डी एक्स इक्वल टू पावर पहले यानी एन पहले, और एक्स के पावर एन में से वन घटा देते हैं, यही आपका डिफरेंशिएशन होता है। तो एन प्लस पर यहाँ क्या है टू है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, टू एक्स के पावर वन, वन लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई बात नहीं है, प्लस यहां जब करेंगे तो ये भी देखिए एन टाइप का ही है, तो क्या लिखेंगे इसको टू वाई, लेकिन वाई को फिर से करेंगे डेरिवेटिव, तो वाई को करेंगे तो यहां लिखेंगे हम लोग डीवाई बटा डीएक्स प्लस, लेकिन यहां रुक जाएंगे, यहां यू इंटू भी लगेगा, यही देखिए है सतर्क होना है सब जगह, यू इंटू भी लगाएंगे, बैठ जाइए बैठ के देखिए आराम से, एक्स वाई लगाएंगे तो ये क्या होगा, किसी को आप फर्स्ट फंक्शन किसी को आप सेकेंड फंक्शन मानिएगा, तो ये आपको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए x को मान लिए, y को डेरिवेटिव करेंगे तो y का क्या हो जाएगा बाबू, तो dy बटा dx इनटू में क्या करते हैं प्लस, यानी कि आप ऐसे समझो ना यार कि जब गुना करते हैं तो जोड़ते हैं कि नहीं, वही काम यहाँ भी करते हैं, u इनटू भी लगाएंगे तो जोड़ देंगे, अब जिसका डेरिवेटिव किए हैं अगला बार में क्या करेंगे उसको छोड़ देंगे, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन गुने यह बात यही बात छोड़ देंगे, प्लस इसका करेंगे तो माइनस में होता है इसका साइन एक्स ब्रैकेट, देखो बाबू जहां भी निगेटिव लग गया वो खतरनाक चीज होता है, इसीलिए इसको तुरंत हम लोग ब्रैकेट में बंद कर दिए, इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव और आगे ई टू द पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन कहिएगा तो एक ही बात होता है, यानी ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, एक बार इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो गया टू एक्स प्लस टू वाई डीवाई बटा डी एक्स प्लस एक्स डीवाई बटा डी एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस गुने प्लस, माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा साइन एक्स रसगुल्ले लोग लिख लिए। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ डीवाई बटा डी एक्स है उसको एक जगह सेपरेट कर लेना है, और जहाँ जिसके साथ डीवाई बटा डी एक्स नहीं है उसको एक साइड में भेज दीजिए। तो देखिए यहाँ ये हो जाएगा टू वाई डीवाई बटा डी एक्स प्लस एक्स डीवाई बटा डी एक्स
इक्वल टू इसको, इसको और इसको, ये तीनों को राइट साइड भेज दीजिए। पहले से देखिए ये यहाँ बैठल है ई टू द पावर एक्स, ये प्लस में है तो इधर जाके ये हो जाएगा माइनस में, और इधर कहाँ है, ये प्लस में है तो ये भी हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है ससुरा तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, माइनस में लिखा रहा है। अब क्या करेंगे कि डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, क्या यही बात है ना जी, कॉमन ले लेंगे ना इसको, अरे तो बोलिएगा तब ना यार, बोलबे नहीं करते हैं। डी वाई बटा डी एक्स कॉमन हो गया, क्या बचेगा, तो टू वाई प्लस एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस में हो जाएगा बाबू साइन एक्स। अब यही चीज करते हैं, ये मल्टीपल में है ये चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये देखिए हम इधर लिख रहे हैं आंसर वाला, ये देखिए है डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, ये पहले लिख लेते हैं ई टू दी पावर एक्स माइनस टू एक्स माइनस वाई और प्लस में क्या है साइन एक्स और वाई, ये देखिए यहाँ मल्टीपल में है तो इधर जाकर लटक जाएगा डिवाइड में, यानी क्या हो जाएगा ये तो टू वाई प्लस एक्स, और यही वाला आंसर होगा बाबू, यही वाला आंसर होगा, बुझा गया बात। तो इसी तरह से करना है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब कहिएगा कि सर ये को बतवा नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिकवा वो बताएंगे, डायरेक्ट मिसाइल एक बार मारेंगे, देखिएगा ना आराम से बर्दाश्त होके आराम से बैठ के देखिए और समझते चलिए। अब इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, डायरेक्ट भी बताएंगे, बस खाली आप समझिए, अभी अभी केवल चलने के लिए सिखाया जा रहा है, इसके बाद तो ऊ रफ्तार पकड़ लीजिएगा ना कि फिर लोग पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, कैसे रहेगा से सवाल आपका, मान लीजिए सवाल इस तरह से भी रहेगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस रहेगा ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू रहेगा मान लीजिए साइन एक्स, इसका हम लोग कैसे करेंगे डेरिवेटिव, तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ इसको मान लीजिए आप कीजिएगा डेरिवेटिव, तो देखिए यहाँ यू इन टू भी है ई टू दी पावर एक्स है इक्वल टू में साइन एक्स है, कैसे बनाइएगा, यहाँ यू इन टू भी लगा देंगे तो x को यानी कि एक बार लिख लीजिएगा यहाँ कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर को चुपचाप छोड़ दीजिएगा, y का कीजिएगा तो देखिए n फॉर्मूला पर है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 2y, लेकिन y का कीजिएगा तो dy वाई बटा डी एक्स लिख लेना है, प्लस जिसका डेरिवेटिव करते हैं उसको प्लस के बाद छोड़ देते हैं, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या चीज, तो 2x प्लस e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर x और sin x का हो जाएगा आपका cos x। अब इसको कैसे लिखिएगा, तो इसको करेंगे हम लोग सेपरेट, जहां भी आपको अगर dy बटा dx है उसको एक तरफ लिख लेना है, तो इसको हम लोग सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y और ये हो जाएगा dy बटा dx प्लस, इसको भी सजा के लिख लेते हैं तो 2x ये क्या होगा, तो 2x y स्क्वायर और प्लस e टू दी पावर x इक्वल टू cos x, इस सब को आप क्या कीजिए कि राइट साइड भेज दीजिए इसको, तो राइट साइड भेजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर y और ये हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू, ये है मेरे पास cos x माइनस हो जाएगा 2x y स्क्वायर और माइनस हो जाएगा e टू दी पावर x, यहाँ से अब dy बटा dx आप लिखिएगा तो ये चला जाएगा डिवाइड में, इसको क्या लिखेंगे बाबू, तो cos x माइनस 2x y स्क्वायर माइनस e टू दी पावर x और बटा में हो जाएगा 2x स्क्वायर y और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का सवाल, और इसी तरह से बाबू लोग आराम से एकदम बनाएंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, यही है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। और हम लोग चलते हैं सवाल, कुछ टेढ़ा सवाल लेके चलते हैं, उसको समझिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए इसी का अगर आंसर लिखना होगा डायरेक्ट, अभी बोले थे ना कि डायरेक्ट एकदम एक बार एकदम मिसाल लेके चलेगा, एकदम डायरेक्ट एक ही बार में आंसर लिख देना बाबू, कैसे लिखेंगे आंसर तो देख लीजिएगा, यहाँ डायरेक्ट आंसर देखिए हम लिखने जा रहे हैं इसका, ये देखिए पेज भरने वाला सिस्टम है रसूल ले लो, लेकिन अब की चलेंगे हम लोग डायरेक्ट आंसर, एक बार क्या कीजिएगा कि इसको एक साइड करके लिख लीजिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में है ई टू दी पावर एक्स और माइनस में कर लीजिएगा साइन एक्स इक्वल टू जीरो, देखिएगा इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं अब हम, कैसे लिखेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी कि आराम से डी वाई बटा डी एक्स ऐसे लिख लेंगे, इक्वल टू भी लगा के लिख लेंगे बाबू। पहला स्टेप में क्या करना है कि एक्स को वेरिएबल वाई को कांस्टेंट समझना है, क्या बोले कि पहला बार में एक्स को वेरिएबल वाई को कांस्टेंट समझना है, ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए वाई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं मान लीजिए अगर टू टैन एक्स का डेरिवेटिव,
तो टू क्या है, एक इंटू है इसके साथ, तो टू इंटू है, तो हम लोग इसका करते हैं डीवाई बट्टा डी एक्स ऐसे, तो टू को इंटू में छोड़ देते हैं और इसका हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो आंसर हो जाता है कि नहीं। उसी तरह से यहां भी समझना है, एक्स को कॉन्स्टेंट समझेंगे जिस समय तो ये इंटू में लिखा जाएगा, वाई को समझेंगे कॉन्स्टेंट तो उसको इंटू में लिख देंगे, और जिसको वेरिएबल समझेंगे उसको डेरिवेटिव कर देंगे। क्लियर है यहां तक? तो आराम से देखिएगा, समझिएगा एक लाइन में। पहला बार में क्या बोले कि एक्स को वेरिएबल, वाई को कॉन्स्टेंट, तो वाई कॉन्स्टेंट यानी कि क्या हो जाएगा ये, तो इसको हम लोग चुपचाप लिख देंगे, यानी कि वाई स्क्वायर चुपचाप। एक्स को डेरिवेटिव करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही रहता है, हो गया। और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो माइनस में है ये, ये कॉस एक्स लिखा गया, बाई ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करना है कि अब की वाई को समझना है वेरिएबल, अब की एक्स को समझना है कॉन्स्टेंट। एक्स जिसमें कॉन्स्टेंट रहेगा तो क्या करेंगे, अब नीचे लिखना है ना, ऊपर नहीं लिखना है। एक्स को कॉन्स्टेंट यानी कि एक्स स्क्वायर अब कैसी रहेगा, वाई को समझना है वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू वाई। और ये क्या है, कॉन्स्टेंट है कि नहीं, ये आपके पास क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, तो एक डेरिवेटिव जीरो, इसका भी डेरिवेटिव जीरो, तो यही बस हो गया, ऐसे बंद कर देना है और एक्स्ट्रा एगो माइनस वाई से लगा देना है। यही देखिए आपका काम बन गया। अब देख लीजिए आंसर जरा मैच कराते हैं, ये माइनस जब अंदर मल्टीपल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में, ये प्लस में, तो इसका पहले ही लिख देते हैं हम लोग, कॉस एक्स लिख दिए प्लस में, ये माइनस में, तो सजा के लिए लिख दीजिए माइनस ई टू दी पावर एक्स, और इसको लिखिएगा तो माइनस में क्या होगा टू एक्स वाई स्क्वायर बाई, इसको भी सजा के लिख देते हैं, तो टू पहले एक्स स्क्वायर वाई, देखिए तो एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला आंसर वहाँ है कहाँ हुआ, यहाँ ये वाला आंसर है, देख लीजिए कॉस एक्स है तो कॉस एक्स है, ई टू द पावर एक्स है तो ई टू द पावर एक्स भी है, टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर है, और बटा में देखिए जो बात यहाँ है कि नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। तो कंपटीशन में बैठिएगा तो आपको डायरेक्ट इसी तरह से बनाना है, एक नंबर का सवाल रहेगा तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं करते रहना है, बस डायरेक्ट एगो मिसाइल दागिए और सीधा आंसर बोल के निकल जाइए धीरे से, ठीक है। तो यही काम करना है पूरे एक्सरसाइज में। तो ये एनसीईआरटी बुक आप निकालिएगा, 5.3 टोटल सवाल आपको बनेगा, उसमें देखिएगा तो 9 नंबर सवाल से इनवर्स का भी कुछ सवाल दिया हुआ है ना, तो उसमें आपको इनवर्स वाला दिया हुआ है, तो कुछ फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है, तभी उसमें बनेगा 9 नंबर से लेकर 15 नंबर सवाल तक, और बाकी 1 से लेकर 8 नंबर सवाल तक टोटल सवाल आपका बन जाएगा। देखिएगा कुछ कुछ सवाल आपको मैच भी कर जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हम लोग, देखिएगा कैसे बनेगा से। यह है इसीलिए इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्स और वाई एक साथ 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 रहेगा, उसको आप लोग इसी तरह से बनाना होगा। देखिएगा कैसे सवाल रहेगा से। सवाल आपका देखिए कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रहेगा आपका साइन इंटू एक्स वाई, यानी साइन ऑफ एक्स वाई, मैंने एंगल के जगह पर है ये, और फिर मान लीजिए आपका रहेगा इक्वल टू, मान लीजिए ये आपका टेन एक्स रहेगा। अब इसका कह देगा कि डी वाई बटा डी एक्स निकालिए, है कि नहीं थोड़ा टेढ़ा, तो देखिएगा टेढ़ा है चाहे कुछ भी है आराम से बन जाएगा तुरंत, बस एक मिनट बस रुक जाइए। इसके बाद देखिएगा अब हम लोग इसको करते हैं डेरिवेटिव, चलते हैं जरा स्टेप बाय स्टेप, पहले ना तो स्टेप बाय स्टेप तो लिखिएगा कैसे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको हम लोग करेंगे तो एक्स का क्या होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना बाबू, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स प्लस, यहाँ जब वाई इस पर का कीजिएगा तो ये हो जाएगा टू वाई, लेकिन वाई का कीजिएगा तो डी वाई बटा डी एक्स प्लस, साइन का कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स वाई। यही देखिए समथिंग का आ गया डेरिवेटिव कि नहीं, पहले भी बताए थे कि समथिंग का डेरिवेटिव फिर से करते हैं, यानी अब यहाँ यू इंटू भी लगेगा तो एक्स चुपचाप, वाई का कीजिएगा डी वाई बटा डी एक्स प्लस, वाई चुपचाप एक्स का कीजिएगा तो वन, यानी कि ऐसी रह जाएगा, हो गया इसका काम। इक्वल टू कितना है तो टेन एक्स, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। देखिए अब ये देखिए इंटू में है इसके साथ ये दोनों के लिए काम करेगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसका टू एक्स प्लस टू वाई और डी वाई बटा डी एक्स प्लस, जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या हो जाएगा, तो एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बटा डी एक्स प्लस, वाई पहले लिख लीजिए और इसको लिख लेंगे कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मेरे पास क्या है बाबू, तो सेक स्क्वायर एक्स, हो गया काम।
डीवाई बटा डी एक्स देखिए यहां भी लगा हुआ है, डीवाई बटा डी एक्स यहां भी लगा हुआ है, क्या करना है तो ये देखिए इसको और इसको राइट साइड भेज दीजिए। तो यहां हम लोग लिखेंगे 2y डीवाई बटा डी एक्स प्लस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई डीवाई बटा डी एक्स इक्वल टू, इसको राइट साइड भेजिएगा तो ये पहले से मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स है, माइनस हो जाएगा वाई कॉस ऑफ एक्स वाई, और यहां देखिए ये टू एक्स वाई यहां भी है, इसको भी भेजिएगा तो माइनस में टू एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो डीवाई बटा डी एक्स को आप कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा आपके यहाँ पास टू वाई, क्या बचेगा टू वाई और प्लस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, यहां मेरे पास क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई और माइनस हो जाएगा टू एक्स। अब हमको निकला है डीवाई बटा डी एक्स का वैल्यू, इसको कैसे लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे डीवाई बटा डी एक्स इक्वल टू, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या चीज तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स वाई और माइनस में हो जाएगा टू एक्स बाई, इसको डिवाइड में लिखिएगा तो ये हो जाएगा टू वाई प्लस एक्स कॉस इन कॉस ऑफ एक्स वाई, यही आपका फाइनल आपका आंसर हो जाएगा और यही है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आप किसी भी सवाल को आपको बताया गया है कि डायरेक्ट आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और एकदम कम से कम समय में आराम से आप निकाल सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सवाल बनाना है, टोटल सवाल आप इसी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है, तो इसी तरह से बनाइएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन जो अगले एक्सरसाइज में होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, फिर से मिलते हैं, तब तक इसको बनाइए, नहीं बनेगा कमेंट कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, जय हिंद।